राजस्थान के मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने कहा है कि निर्भया कांड के बाद से जब से ये किया गया है कि रेपिस्ट को फांसी की सजा मिलेगी, उसके बाद बच्चियों की हत्याएं बहुत बढ़ गई हैं। दुष्कर्मी देखता है कि कल यह मेरे खिलाफ गवाह बन जाएगी तो हत्या कर देता है। गहलोत शुक्रवार को दिल्ली में मीडिया से बातचीत कर रहे थे। गहलोत ने कहा कि देश में बहुत बड़ा चैलेंज है, पूरे देश से जो रिपोर्ट आ रही है वो बहुत ही चिंताजनक है। वैसे भी आप देख रहे हैं कि बेरोजगारी बहुत भयंकर है, महंगाई का जमाना है, असामाजिक तत्व बहुत बढ़ गए हैं, देश प्रदेश में क्राइम बढ़ रहा है, हिंसा बढ़ रही है, छोटी छोटी बातों पर झगड़े हो रहे हैं, तनाव और हिंसा बढ़ रही है, कहीं बच्चियों से रेप हो रहे हैं, क्राइम लगातार बढ़ रहा है, जो बहुत चिंता की बात है। राजस्थान में हर साल करीब 2000 बच्चियों से दुष्कर्म हो रहे हैं। जनवरी 2020 से जनवरी 2022 तक नाबालिग बच्चियों के ऐसे 4091 पॉक्सो एक्ट केस दर्ज हुए हैं। वहीं दो साल में महिलाओं से रेप के कुल 11368 केस दर्ज हुए हैं। दो साल में 26 मामले ऐसे हैं जिनमें रेप के बाद हत्या कर दी गई। पूर्व सीएम वसुंधरा राजे के कार्यकाल में नाबालिग से रेप करने वालों को फांसी की सजा का प्रावधान करने का कानून बनाया गया था। सीएम गहलोत ने नाबालिग से रेप कर फांसी की सजा करने के प्रावधान के बाद बच्चियों की हत्या करने के मामले बढ़ने का बयान दिया है। ये बात पहले भी कई नेता उठा चुके हैं। बीजेपी राज में जिस समय विधानसभा में नाबालिग से रेप करने वालों को फांसी की सजा देने का प्रावधान वाला बिल लाया गया था, उस बिल पर बहस के दौरान कई विधायकों ने रेप पीड़ित बच्चियों के मर्डर के मामले बढ़ने की आशंका जताई थी। दोस्तों, सीबीसी न्यूज आपके सहयोग से लगातार बढ़ता जा रहा है। स्वतंत्र पत्रकारिता का सहयोग करने के लिए आपका धन्यवाद। सबसे पहले तो जिन लोगों ने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो पहले सब्सक्राइब करें, जिसका कोई शुल्क नहीं लगता और बड़ा आसान है। बस नीचे दिख रहे लाल सब्सक्राइब के बटन को दबाना है और पास में दिख रहे बेल आइकन को भी दबाना है, ताकि आपको अपने सीबीसी न्यूज के हर अपडेट्स मिल सके। हमारे इंस्टाग्राम पेज और फेसबुक पेज को भी लाइक करें, फॉलो करें, वहां पर भी आपको मिलती है तरह तरह के अपडेट्स। हम पूरे राजस्थान से आपके लिए लाते हैं वो खास खबरें जो आपके लिए जरूरी है, और वो भी पूरी बेबाकी के साथ। पत्रकारिता के इस मुश्किल दौर में आपकी आवाज जिम्मेदारों तक पहुंचाना ही हमारा लक्ष्य है, और ये आपके सहयोग के बिना संभव नहीं है। हमारा सहयोग करें, स्वतंत्र पत्रकारिता में अपना योगदान दें और ज्वाइन बटन पर जाकर सदस्यता लें, चाहे सबसे छोटी सहायता के रूप में ही क्यों ना हो। जनता की बेबाक आवाज बने रहें, उसके लिए सहयोग आपको ही करना है। सब्सक्राइब करिए और ज्वाइन बटन पर क्लिक कर सदस्यता ग्रहण कीजिए।